1 अप्रैल 2019 से बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक और देना बैंक तीनों बैंकों का एक में विलय हो जाएगा और भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के दूसरे सबसे बड़े बैंक का निर्माण होगा। सितंबर 2018 के अंत तक तीनों बैंकों के बोर्ड ने इस समेकन के लिए लिखित अनुमति दे दी थी और यह प्रक्रिया रिकॉर्ड समय में पूरी कर ली गई है। समिता सचदेव, डिप्टी जनरल मैनेजर, रीजनल हेड, बैंक ऑफ बड़ौदा चंडीगढ़ रीजन। आज हम यहाँ पे एक इतिहास रचने जा रहे हैं जिसमें बैंक के तीन बड़े बैंक, विजया बैंक, देना बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इन तीनों का विलय होके एक ग्लोबली बहुत बड़ा बैंक बनने जा रहा है, जो कि नेशनलाइज बैंक का नंबर वन बैंक होगा और नंबर ऑफ ब्रांचेस एंड कस्टमर बेस के हिसाब से दूसरा भारत का बड़ा बैंक होगा। कस्टमर को क्रॉस सेलिंग के बहुत बेनिफिट मिलेंगे और प्लस जो हमारी 21 विदेशों में 101 ब्रांचे हैं उसका भी बेनिफिट कस्टमर्स को मिलेगा। जैसा कि मैडम ने बताया कि कस्टमर को यही फायदा होगा कि नेटवर्क जो हमारा है, जैसे कि बताया इन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक, नॉर्थ ईस्ट से भुजकच तक, सारी ब्रांचेज सब जगह ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया प्रेजेंस हमारा रहेगा और बेस्ट ऑफ दी प्रोडक्ट्स तीनों बैंक के जो थे वो उनको दिए जाएंगे। वो फॉर्मलाइज कर दिए हम लोगों ने कि जो जो अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं वो सारे उनको मिले, इंटरनेशनल अप्रोच उनकी हो पाएगी, जो कि हमारे बैंक में 121 ब्रांचेज, मेरे ख्याल 121 लोकेशन पर हमारी ब्रांचेज है और 21 कंट्री में है ना। हाँ, 21 कंट्रीज में 101 ब्रांचेज है, तो उससे काफी बेनिफिट कस्टमर्स को होगा। अर्थ प्रकाश टीवी के लिए मंदीप गौतम की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।